हेलो हाय गाइस, वेलकम टू लव आर्ट एंड फैमिली। मैं हूँ रीनू सिंह। तो आज हम बनाने वाले हैं लोटस बहुत ही इजी तरीके से। तो इसके लिए हमने एक सीधी लाइन ले ली है और उसको कुछ प्लस में कुछ इस तरीके से डिवाइड कर लिया है। और इस तरीके से सेंट्रल लीफ बनाने के बाद जो दिक्कत आती है वो ये होती है कि एक साइड की तो हम बहुत अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन सेकेंड साइड में कभी लीव्स छोटी हो जाती हैं, कभी पतली हो जाती हैं, तो कभी ऊंचाई नीचाई में प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम कुछ इस तरीके से डिवाइडेशन कर लेंगे। ये देखिए, इधर भी हमने चार लाइन की हैं और इधर भी हम चार लाइन कर रहे हैं बराबर दूरी पर। और कुछ ऐसे ही हम इस तरीके से भी एक छोटा सा ग्राफ टाइप का बना लेंगे। और ये करने के बाद देखिए, इस पॉइंट से हम यहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे और इस तरीके से लीफ बना देंगे। फिर सेकंड पॉइंट लेंगे और यहाँ से सेकंड लीफ रेडी हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है ये हमें बताएंगे दूसरी साइड में भी कि हमें कितनी ऊंचाई पर लेनी है और कितनी मोटी हमें अपनी लीफ रखनी है। इस तरीके से इसके जो भी पेटल्स हैं वो काफी अच्छी तरीके से बन जाएंगी। अब देखिए, अब इसमें ऊंचा नीचा नहीं होगा। ये ग्राफ की मदद से जो पॉइंट हमें मिल रहे हैं उससे ये पेटल्स बहुत ही इजी बनने वाली हैं। बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइडलाइन मिल जाती है इन्हें सही तरीके से बनाने के लिए। ये देखिए, हमें दूसरी लीफ के लिए भी मिल गई। और ऐसे ही हम बाकी की पेटल्स भी बना लेंगे। अब ये देखिए, ये सेंटर लीव से हम दोनों साइड से कुछ इस तरीके से सर्कल में लीव लेंगे, सॉरी पैटर्न लेंगे, और इसे कुछ इस तरीके से हम ये देखिए कर्व में दिखा देंगे। और ये जो पीछे की लीफ पेटल्स की लाइंस दिख रही हैं हम इनको इरेज कर देंगे। ओके, तो ये मुड़ी हुई हमारी पेटल दिखाई दे रही है। और ऐसे हम और पेटल्स बनाएंगे इधर। और इसके बाद जब हमारी ये पेटल्स रेडी हो जाएंगी, देन हम इसमें अपनी मर्जी से कर्व या ऊंचा या नीचा थोड़ा बहुत इसमें जो सुधार करना है वो आप कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ताकि वो ऑकवर्ड ना लगे। ये देखिए, तो इससे ना बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाती है हमें। और इसकी पेटल्स ऊपर नीचे नहीं होती या ज्यादा बड़ा या पतला साइज नहीं होता है दोनों साइड से, तो काफ़ी हमें गाइडेंस मिल जाती है। और ये देखिए, हमारा लोटस लगभग रेडी हो चुका है। अब हम इसे फाइनल लाइन दे देंगे। और अब बनाएंगे ये देखिए इसकी टहनी और ये इसकी लीव्स।
और अब बारी है ये जो भी गाइडलाइन है इसे इरेज करने की। तो हम इसे अच्छे से इरेज कर लेंगे और मैं उसके बाद दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा। ये मैं अच्छे से इरेज करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, आप एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा।